टी20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर हो चुका है। साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा और अच्छी बात यह रही कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम इंडिया का जिम्बाब्वे से मुकाबला होना है, लेकिन साउथ अफ्रीका की हार ने टीम इंडिया को आसानी से सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका इस हार के बाद 5 अंकों के साथ टेबल में बनी हुई है, जबकि टीम इंडिया के 6 अंक हो गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जब मुकाबला होगा, इसमें जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, चाहे वो बांग्लादेश जीते चाहे वो पाकिस्तान जीते। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। चोकर जो उनको टैग दिया गया है वो सही मायनों में एक बार फिर से सच साबित हुआ कि जब बड़ा मुकाबला होता है, डू एंड डाई सिचुएशन होती है, तो टीम साउथ अफ्रीका जो है वो चोक कर जाती है। नीदरलैंड की टीम ने 158 रन बनाए थे और 159 रनों को साउथ अफ्रीका चेज नहीं कर पाया और मुकाबला गवा बैठा, जिसके साथ ही साउथ अफ्रीका का सफर वर्ल्ड कप में खत्म हो चुका है। टीम इंडिया बिना मैच जीते ही सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सुपर संडे के दिन सबसे पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का था, जिसमें नीदरलैंड ने मुकाबला जीत लिया, साउथ अफ्रीका हारी और इजीली टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो भी नतीजा निकलेगा, जो भी मैच जीतेगा वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान हो। और फिर सुपर संडे को तीसरा मुकाबला इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे है और इंडिया मैच चाहे हार भी जाए वो क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए कर चुका है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो ये सबसे बड़ी खबर सुपर संडे की है कि टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में कदम रख लिया। आपको बता दें कि 6 अंक अभी टीम इंडिया के हैं और टीम इंडिया जो है आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब जिम्बाब्वे के साथ टीम इंडिया के मैच का जो भी नतीजा रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 6 अंक सबसे ज्यादा अंक टीम इंडिया के हैं और टेबल टॉपर जो है वो टीम इंडिया बन गई है। साउथ अफ्रीका 5 अंक के साथ अपने सफर को खत्म कर चुकी है। नीदरलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका हार गई है और टीम इंडिया शान से सेमीफाइनल में पहुंच गई है।